हेलो, मेरा नाम दलबीर है और मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम इंडियन टेक्निकल फार्मिंग है। आज मैं आपको बताता हूँ कि मिर्च की नर्सरी कब और कैसे तैयार करें जिसे हमें बहुत ही अच्छी पौध प्राप्त हो और ज़्यादा से ज़्यादा इनकम प्राप्त हो। चलो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने यह नर्सरी 1 फरवरी को लगाई थी और आज 1 महीने के बाद आप इसको देख सकते हो। सबसे पहले खेत की नर्सरी या कैरी का चुनाव। मैंने 10x10 की नर्सरी का चुनाव कर इसमें 20 से 25 टोकरी गोबर की खाद डालकर इसकी अच्छी तरह से जुताई कर दी। फिर गोबर की खाद और मिट्टी को मिलाकर इसको अच्छी तरह से समतल कर दिया था। 1 एकड़ बीज के लिए 80 से 100 ग्राम बीज पर्याप्त रहता है। अब बात करते हैं मिर्च के बीज की। मिर्च का बीज बहुत ही महंगा होता है और बाज़ार में 10 ग्राम पैकेट की कीमत 300 से 400 रुपये तक होती है। बाज़ार में मुख्य देसी और हाईब्रिड की वरायटी का बीज उपलब्ध होता है। हाईब्रिड में विराट, राशि, मिनम की वरायटियों का बीज उपलब्ध होता है। बीज का चुनाव। सबसे पहले हमें एक ऐसे बीज का चुनाव करना होता है जिसमें फल लंबे और चमकीले हो और वह वरायटी 12 महीने तक ज़बरदस्त फल देती हो और उसकी 12 महीने तक मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड हो। बीज का उपचार। अगर हम बीज को एजेक्टोबैक्टर या राइजोबियम या PHP के घोल के अंदर 1 दिन तक उसको रख दे, फिर हम उसको बुआई कर दे, तो इससे बीज का जर्मिनेशन 100% तक हो जाएगा। इसके बाद मिर्च की बुआई कर देनी है। अगर मिर्च के बीज की के बीज ज़मीन के ऊपर दिखाई दे तो उसके ऊपर बलुई या दोमट मिट्टी या गोबर की खाद की पतली सतह उसके ऊपर चढ़ा दे। इससे उसके ऊपर उसकी परत चढ़ चढ़ जाएगी और वह बीज ज़मीन के ऊपर दिखाई नहीं देगा। इसके बाद हमें खेत की सिंचाई कर देनी है। इसकी सिंचाई हमें हल्की सुबह या शाम करनी होती है। लगभग 8 से 10 दिन के बाद बीज का अंकुरण शुरू हो जाता है। अंकुरण के 10 से 15 दिन के बाद हमें लगातार इसकी हल्की हल्की सिंचाई करते रहना है। उसके 10 दिन बाद हमें इसके अंदर खाद देना स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे नर्सरी के लिए 100 ग्राम यूरिया, 100 ग्राम DAP और 50 ग्राम पोटाश हम 2 दिन के अंतराल देकर इसकी सिंचाई करते हैं। इससे क्या पौधे का जो ग्रोथ है वो बढ़ जाएगी। खरपतवार। अब इसमें खरपतवारों को हाथ से ही निकाल देना है जिससे इसके पौधे बड़े हो जाएंगे। 30 से 45 दिन बाद अंकुरण होने के बाद इसके पौधे ट्रांसप्लांट करने के लायक हो जाते हैं। अगर ये मेरी आपको YouTube पसंद आई तो इस YouTube को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर देना। धन्यवाद।